तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। आज हम आपके साथ डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज डेटा टाइप्स होता क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइल में आप जाते हैं, आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा, बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे dim r as a integer, r as a range इस तरह से लिखा रहता है, ताकि वो इंटीजर रेंज होता क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया dim r as a integer, तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने आर क्यों लिया, हमने दिन क्यों लिया और इंटीजर क्या लिया और इसकी जरूरत क्या है इसके बारे में। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। देखिए, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम वीवीएम प्रोग्रामिंग करते हैं, माइक्रो बनाते हैं, तो हमें एक टेंपरेरी सेविंग लोकेशन चाहिए होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 10+20 करना है, तो 10+20 का जो रिजल्ट है वो आपकी कहाँ पे स्टोर होगा, इसका स्टोरेज पॉइंट तो देना पड़ेगा, तो मुझे खाया तो देना पड़ेगा किसी रेंज का एड्रेस, जैसे कि a1.val, राइट। हाँ जी, हेलो, हाँ, a1.val कर दिया। अब a1 को हमेशा मुझे फ्री रखना, फ्री रखना है A1 को, अब हमेशा मुझे फ्री रखना है, क्योंकि A1 को तो हम फ्री ना रखेंगे तो क्या होगा, A1 को फ्री ना रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो डेटा होगा उसको ओवरराइट कर देगा। क्या बोले, कुछ बोला नहीं, नहीं, आपका आंसर दे रहा हूं मैं, और ये ओवरराइट कर देगा, तो हम एक्सेल के किसी भी सेल्स को यूज नहीं करना चाहते, एक्सेल के किसी भी सेल्स को यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि dim r as a integer या रेंज जो भी है लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे r equal। तो डीम क्या होगा, डीम मतलब डायमेंशन, डायमेंशन तो समझते होंगे, डायमेंशन क्या होता है, तो हार्ड डिस्क की किसी भी डायमेंशन में जाएगा आर नाम का एक स्टोरेज पॉइंट क्रिएट करेगा, और उसकी कास्टिंग मतलब कि उसके अंदर डेटा किस तरह के स्टोर होगा, तो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो इंटीजर क्या हो गया, उसका कास्ट मतलब जाति हो गया, या फिर ये कह सकते हैं टाइप, मतलब कि वो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर हो जाएगा, जिसमें इसका वैलिडेशन लग गया कि वो टेक्स्ट को या किसी और चीज को तो स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ स्टोर करेगा किसको, तो इंटीजर। ओके, समझ गए, डाउट इसमें, एक बार फिर बता देंगे वापस, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहली जरूरत पड़ती है कि हम किसी भी कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए किसी भी एरिया को हम यूज ना करते हैं, हम वीवी में ही अपना एक एरिया क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, राइट, तो हमने कैसे क्रिएट किया, तो dim r as a integer, dim क्या है, डायमेंशन, तो हार्ड डिस्क के किसी भी डायमेंशन में जाएगा
और आर नाम का एक लोकेशन क्रिएट करेगा जिसका फाइल जो डेटा टाइप होगा इंटीजर, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क के किसी एक डायमेंशन में आर नाम का एक लोकेशन क्रिएट हुआ जिसने इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। कब तक? ड्यूरिंग द दिस माइक्रो प्रोग्राम। जैसे माइक्रो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्रिएट होगा, और जैसे एंड सबसे बाहर होगा वापस वो डिलीट। समझे? हाँ जी समझ। तो इसकी जरूरत, एक जरूरत आपने समझ लिया कि मुझे स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, राइट। दूसरी जरूरत होती है कि हमें एक ऐसा इनपुट लेना, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिया कि सम सब और ब्रैकेट ओपन, और जैसे कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे एक इनपुट बॉक्स से एक डेट डे चाहिए, हमने यहाँ पे दे दिया, हमें उसी डे का नाम का फाइल होगा, उसी डे के नाम का शीट होगा, उसी डे के नाम का हमारा कॉलम फिल्ड होगा, राइट। तो अगर मैं इंटीजर डिफाइन करूं वेरिएबल तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने दिया रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे हमने दे दिया एंटर फिल्ड FEI फिल्ड फिल्ड नेम FIELD अच्छा स्पेलिंग से उसके बाद फिर लिखेंगे शीट एक्टिव सीधा सीट वर की वर्कबुक होगा एक्टिव सीट होगा सीट का sheet dot name equal to फिर पूछेंगे कि input box यहां देंगे enter sheet name, right। और फिर यहां लिखेंगे active वर्कबुक डॉट सेव एज जी ड्राइव में जाएगा और इनपुट बॉक्स एंटर समझे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं रेंज का फील्ड सीट का नेम और फाइल का नेम सब एक ही है, अब मैं इस माइक्रो को रन करूंगा तो मुझसे वो तीन बार पूछेगा, यहाँ पे मान दे दिया मैंने डेटा ओके करेंगे तो एक फिर डेटा पूछेगा, डेटा अच्छा हम समझ गए क्या बोल रहा है ना, ये हमारा जो माइक्रो है प्रोटेक्टिव चीप पे चल रहा है ना, अब इसको जब रन करेंगे माइक्रो को तो मुझसे पूछेगा माइक्रो का नाम क्या है आरा अंडरस्कोर, ये काफी ज्यादा फाइल खुली है पूछा, अब मैंने यहां पे डेटा दिया, ये डेटा यहां पे इनपुट कर दिया,
अब मैं सीट का नाम मान लीजिए वहां पर डेटा दूंगा, तो सीट का नाम डेटा हो गया, और फिर मैं फाइल का नाम दूंगा तो फिर फाइल का नाम डेटा हो गया। हमें एक ही चीज को तीन बार टाइप करना पड़ा ना सर, समझे? तो हम क्या करेंगे कि यहां पे इसी चीज को हम करेंगे कि dim d as a string, और यहां पे d इक्वल टू फील्ड को, इस फील्ड को उठाते हैं यहां पर रख देते हैं कि टाइप फील्ड प्लस सी प्लस फाइल नी। अब जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां मैं डी डालूंगा और हमारा काम। तो तीन बार इनपुट बॉक्स, तीन बार हमें जो एंट्री करना होता था उससे हम बच गए, हमने एक ही जगह पे इसको स्टोर किया और उसको जहां जहां यूज करना था वहां वहां यूज किया। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं, जैसे हमने डाल दिया एक्स इक्वल टू 100 और जहां जहां 100 था वहां वहां पे हमने एक्स का। तो ये इंटरप्रिंट शीट एंड फाइल नेम, ये जो तीन है वो वीबीए पढ़ रहा है या फिर यूजर पड़ेगा? वीवीएस मतलब नहीं है, यूजर से पड़ेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, इंटरफील के बदले आप एबीसी लिखते तो भी चल जाते। हाँ हाँ, इन्वर्टर कॉमा में है ना सर, इन्वर्टर कॉमा में है, मतलब कि है यूजर के लिए। ये तो समझ गए, मैंने आपको ये क्या बताया, इसकी जरूरत बताई कि हमें टेम्परेरी सेविंग के लिए चाहिए या एक ही चीज को कई सारे पे जाना है तो हम एक जगह पे इसको होल्ड करेंगे और जहां जहां चाहिए वहां वहां इसको यूज करेंगे। तो वेरिएबल्स का यूज समझ में आ गया ना कि क्या बेनिफिट्स है। अब चलिए हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल्स कितने तरह के हैं और क्या क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं dim b as a byte। एक आपका byte है, byte क्या करता है, वो byte form में store करता है, मतलब कि b equal to आप 0 to दे सकते हैं only for 255, not minus और not negative। समझे? ये आपका ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है, ट्रू कर दिया या फॉल्स आ सकता। अगला हमारा होता है dim, dim i as a integer। ये आपका ये i इक्वल टू आप यहाँ पे माइनस 32,000 समथिंग है, इसका पूरा एग्जिट याद नहीं मुझे, से प्लस 32,000 समथिंग तक कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन इसमें भी डेसिमल आप नहीं रख सकते। अब 32,000 अब इससे बड़ा है तो हम करते हैं dim as a l as a dim l as a long। ये सारे डेटा टाइप l as a long, तो बाइट बुलियन इंटीजर लॉन्ग डेटा टाइप। एल के ऊपर आप 32,000 से भी ज्यादा अमाउंट रख सकते हैं, लेकिन माइनस एंड प्लस में उसमें अति नहीं होगा, क्या बोलते उसको, वेरिएबल नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, डेसिमल्स नहीं आएंगे। तो एक आता है आपका डी एज ए डबल, डबल के अंदर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है और हम डेसिमल्स भी रख सकते हैं। उसके बाद dim dt as a date,
इसपे डेट एंड टाइम, डेट वाला फंक्शन में डेट एंड टाइम दोनों रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या डीटी पे डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में डालेंगे वो अपने आप को कन्वर्ट कर, ठीक है। डीटी शॉर्ट फॉर्म, डीटी डीटी से कुछ भी ले सकते हैं आप, ये जो मैं दे रहा हूं बी बी एल आई एल डी डी टी कुछ भी दे सकते हैं आप। आई एज इंटीजर, ओके, समझ गया। जो कॉमन वर्ड है मैं आपको बता रहा हूं, डीम हम करते हैं इसका डीम आता है एस एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे नॉन कैलकुलेटिव डेटा कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे वो नंबर होगा या फिर टेक्स्ट होगा, इसके कैलकुलेशन नहीं होगा। टेक्स्ट स्टोर करता है तो टेक्स्ट को सिस्टम में नॉन कैलकुलेटिव डेटा कहते हैं, ठीक है। आप डेट भी डाल सकते हैं लेकिन वो नॉन कैलकुलेटिव होगा टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे एक्सेल में सिंगल कोट लगा के लिखते हैं ना, सेम फॉर्मेट होगा। ओके सर, हेलो अमित जी, सुन रहे मुझे आप? सॉरी म्यूट था, मैं हाँ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा कि मेरा एंट्री होने वाला डेटा बुलियन है, क्या है, इंटीजर है, लॉन्ग है, कंफ्यूज है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगाया जा सकता है। तो उस केस में हम यहां पे यूज करेंगे वेरिएबल डीम एज ए वेरिएबल, ठीक है। अब वी के ऊपर अब मैं वी इक्वल टू हमने नंबर डाला बाइट हो गया, हमने वी इक्वल टू मान लीजिए 1000 डाला ये इंटीजर हो गया, वी इक्वल टू मैंने ये डाल दिया ये लॉन्ग हो गया, डेसिमल डाला डेसिमल, जैसा डलेगा उस तरह से अपने आप को बिहेव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास ऑल राउंडर है तो फिर मैं क्यों बॉलर और बैट्समैन अलग अलग रखते हैं, मतलब कि मेरे पास एक वी वेरिएंट है जो कि सब कुछ करता है तो हम क्यों उसको अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करें, हम हर जगह वी टर्म में डिफाइन करें। अब एक चीज जान लीजिए कि ये जो आपका हो रहा है ये आपके सिस्टम में एक एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, जैसे बाइट आपने किया था दो बाइट का स्पेस कैप्चर करेगा, बुलियन आई थिंक दो बाइट ही करता है, इंटीजर चार करता है, लॉन्ग छह करता है, डबल आई थिंक आठ करता है, और स्ट्रिंग जो है मिनिमम आठ है और डिपेंडिंग द टेक्स्ट, उसी तरह से आपका वेरिएंट मिनिमम 32 है या 16 बाइट है, ऐसे कुछ है स्पेस कैप्चर करता है। तो अगर आप बाइट ही करोगे सीफ तो स्पेस ज्यादा कैप्चर करेगा, जितना बाइट डिफाइन करो जितना ये वेरिएंट डिफाइन करोगे उतना ज्यादा स्पेस लेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो भाई 8 GB की रैम या 16 GB की रैम, 1.5 TB 2 TB की हार्ड डिस्क है तो बाइट में है, ये तो फुटबॉल में सुई की बराबर नोक की बराबर है, क्या फुटबॉल में क्या मैदान में सुई की नोक के बराबर है, तो ये बात सही। लेकिन क्या है कि एक जो सब्जेक्ट आपका जो RR0 सब्जेक्ट है इसका एक साइज डिफाइन किया गया है 255 KB, इससे बड़ा अगर माइक्रो की साइज आपकी हुई तो आपका माइक्रो रन नहीं करेगा और एरर शो करेगा प्रोसीजर टू लार्ज, समझ गए पहली चीज। दूसरी चीज इसके लिए ये तो होगी, इसके लिए साइज की बात मैटर, दूसरी ये हम इसकी इसके लिए क्या बोलते हैं कन्वर्जेंस के लिए या फिर एक कहिए वैलिडेशन के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मैं जो डेटा डालने के लिए बोला उसमें कोई डेसिमल नहीं डाल सकता, अमाउंट राउंड फिगर में ही डालेगा, तो आप दबाव डालने के बाद जो राउंड में फॉर्मूला लगाओगे उससे अच्छा है कि डिम आर एज लॉन्ग कर दो। अगर किसी ने अगर r इक्वल टू 45 डेसिमल किया तो राउंड कर देगा,
कोई डेसिमल स्टोर ही नहीं करेगा, राउंड करके स्मॉल स्टोर करेगा, समझ गए? इस तरह के डेटा कन्वर्जेंस में यूज होता है। अब मैंने जो बुक आपको भेजी है उस बुक को आप खोलेंगे और उसकी पेज नंबर 199, बुक का पेज नंबर 173 है, मतलब 214 पेज दिख रहा आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और उसके साइज और उसके लिमिटेशंस। ठीक है सर, इसको याद कर लीजिएगा और साथ में ही इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। आपका 99 पेज है ना, इससे पहले आपका इसका चैप्टर है, उस चैप्टर को एक बार स्टडी कर लीजिएगा, इसके आसपास के 5-10 पेज को स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बुक जो है अब आप इसको पढ़ने के लिए एलिजिबल है, इसको आप बुक को भी पढ़ सकते हैं। ये बुक का सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजा है, हार्ड कॉपी इंडिया में तो 500-700 की बिकती है, पता नहीं आपके इधर कितना की बिक रही होगी, बट फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो मिल जाती है, अमेजोन पर भी मिल जाती है। तो पेपर कॉपी तो मैं दे दिया, मतलब की डिजिटल कॉपी तो मैं दे दिया, आप पेपर कॉपी आप परचेज कर लीजिएगा या फिर ऑफिस से प्रिंट करने का जुआ है तो प्रिंट मार दीजिएगा। Right.